Good morning students, welcome to MCPS online classes. In our last video we know about how to represent a fraction in a shaded proportion. Now in this video we will explain mixed fraction, proper fraction and improper fraction. तो देखिए कि अब क्या पढ़ेंगे अपन कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर क्या होते हैं और इम्प्रॉपर क्या होते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2. सबसे पहले देखिए मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन इंक्लूडेड वन होल नंबर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. फॉर एग्जाम्पल देखिए सर, 4 2/3 दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. ये भी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है. सपोज 1 4/5 दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. क्या है ये? मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक तो पूरा होल नंबर होगा. ठीक है, होल नंबर मीन्स स्टार्ट विथ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा. ये होता है मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रॉपर फ्रैक्शन की. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से. दैट मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा. कैसे? जैसे देखिए 1/4 न्यूमरेटर क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर. इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर. है ना, ऐसे बोलते ना अपन. ये क्या है? न्यूमरेटर. ये है डिनोमिनेटर. दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. अब अपन बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 6/2 इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. दैट मीन्स इसकी क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए अपन आगे क्वेश्चन करते हैं. अपना क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी शेडेड फ्रैक्शन को. नंबर लाइन पे आप कैसे, कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है उसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप. जैसे आपका क्वेश्चन है 1/8 2/8 ठीक है, देन 3/8 एंड देन 7/8 ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है. आपको इसको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. अब देखिए आप देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है वो सब अलग अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर जो क्या है? सेम है. इसे अपन क्या कह सकते हैं? इसे अपन लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं. फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. अगर सपोज किसी में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो वो क्या कहलाएंगे? अनलाइन फ्रैक्शन. ठीक है, तो आप देखिए नंबर, अब देखिए 8 के नीचे अपन में क्या है? 8. दैट मींस 0 से लेके 1 को अपन को मतलब लीजिए कितने 8 पार्ट में आपको डिवाइड करना है. कितने पार्ट में? 8 पार्ट में. तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 and 8/8 दैट मीन्स 1. क्या देखिए आपको क्या करना है, जितने भी दे रखे हैं नंबर्स आपको क्या करना है, उसको उतने पार्ट में 1 को डिवाइड कर देना. अब आप क्या करेंगे? आपको क्या है फर्स्ट 1/8 दिस इज 1/8 2/8 दिस इज 2/8 देन 3/8 दिस इज 3/8 देन 7/8 दिस इज 7/8. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन का, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट किसी भी फ्रैक्शन को कैसे करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. यानी आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दे रखा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, आपको क्या करना है उसको इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको
एक्सप्रेस करना है, यानी कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए आप कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। एग्जाम्पल है आपका, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी जो नंबर्स आपको देखा दे रखा है, न्यूमरेटर को आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है, ए है आपका 20/3। क्या दे रखा है आपको, 20/3। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है आपको कि 20 को डिवाइड आपको करना है किससे, 3 से डिवाइड करना है। देखिए आप 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, क्या रहा पीछे आपके 2। अब देखिए ये हो गया आपका डिवाइड। अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए जो भी आपका आंसर है ना, जो आपका आंसर है आप उसे लिखेंगे एज अ होल नंबर, जो आपका रिमाइंडर है उसे आप लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर, जो आपसे आपको डिवाइड किया है उसको लिखेंगे आप एज अ डिनोमिनेटर। दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई, मिक्स फ्रैक्शन मीन्स एक आपको मिलेगा होल नंबर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ में, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए 11/5, बी जो है आपका पार्ट 11/5, क्या करेंगे आप 11 को अंदर लिखेंगे, ठीक है, और 5 को बाहर लिखेंगे, 5 2 10, आपके पास क्या रहा 1, ठीक है। तो 2 को आपके लिखेंगे जो आंसर है एज अ होल नंबर लिखेंगे 2, रिमाइंडर जो है आपको एज ए न्यूमरेटर और जिसे डिवाइड किया है आपको 5। दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, दैट मीन्स जिसमें एक होल नंबर भी होना चाहिए आपके पास, जिसमें एक न्यूमरेटर भी होना चाहिए, जिसमें एक डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, ये आपके क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन, क्या कहलाएगा आपका, मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अब आपको जो है वो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, आपको उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे इम्प्रॉपर में अगर कन्वर्ट, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट है आपका ए पार्ट है इसका 7/3/4, बी है आपका इसका पार्ट 2/5/6, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है आपको, आपको क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला भी है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप क्या करेंगे, देखिए जो आपको होल नंबर गिवन है उसको आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और जो आपका न्यूमरेटर है उसको आपको ऐड करना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला है आपका होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, यानी डिनोमिनेटर आपका वापस एज अ फ्रैक्शन नीचे आएगा। क्या करना है आपको, होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 4 28 28 + 3 लिखा है ना, प्लस न्यूमरेटर, 28 + 3 कितने हो गए 31 by 4 हो गया ना ये इम्प्रॉपर, बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यही डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो आया उसको ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर जो है आपका वो एज यूजुअल नीचे रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट वापस इसको कैसे करेंगे, 2 × 6 + 5/6, ठीक है, 6 × 12 = 5 × 17/6, ठीक है, क्या आंसर है आपका 17/6, क्योंकि ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी लाइक और इन लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, यानी जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो जाएगा,
लाइक फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या जाएगा, जिसमें डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम नहीं होगा, ठीक है ना, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा वो क्या कहलाएगा आपका, अनलाइक फ्रैक्शन। तो इस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा है, मिक्स फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, ठीक है, होल नंबर और एक फ्रैक्शन, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन ग्रेटर देन, यानी न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस देन होता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आपको पढ़ाया था प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो आपका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड क्लियरली, वी विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।